ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, आपको कंडीशन दिया है कांस्टेंट प्रेशर, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट गिवेन इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी. सिंपल सी बात, एक है एक गैस से सोचो, यहाँ पे इसमें उसको हीट दी गई डेल्टा क्यू, ये वर्क भी करेगा और इसके अंदर सेविंग भी होगी. तो हमें ये देखना है कि जो हीट है वो कितने परसेंट इसमें जाती है, कितने परसेंट इसमें, यही बस देखना है, यही चीज़. चलो डायटोमिक दिया है, डेल्टा यू बताओ कितना होगा, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी फार्मूला है. डायटोमिक के लिए एफ होता है 5, तो 5/2 एन आर डेल्टा टी, क्लियर है. अच्छा डब्लू, डब्लू होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, कॉन्स्टेंट प्रेशर में ये पी डेल्टा वी हो जाता है, और आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे तो एन आर डेल्टा टी हो जाएगा, ये चीज़ बात समझ आई. हाँ तो एन आर डेल्टा टी और ये 5/2 एन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू जो होता है डब्लू डेल्टा यू प्लस डब्लू, डेल्टा यू है 5/2 एन आर डेल्टा टी, और ये कितना है एन आर डेल्टा टी, कितना हो जाएगा ये 7/2 ना एन आर डेल्टा टी. अब हमें ये करा है, यानी कि जो डेल्टा क्यू है ये है 7/2 एन आर डेल्टा टी, इसमें डब्लू और डेल्टा यू ये है, डब्लू कितना है हमारा एन आर डेल्टा टी है, और ये कितना है 5/2 एन आर डेल्टा टी. हमें ये बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट इज यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, यानी हमें देखना है कि डेल्टा यू बाई डेल्टा ये कितना होगा, हीट का कितना पार्ट इंटरनल एनर्जी में जाता है, यही देखना है. तो ये बताइए डेल्टा यू बाई डेल्टा क्यू ये कितना होगा 5/2 एन आर डेल्टा टी अपॉन ये कितना है, हाँ 7/2 एन आर डेल्टा टी, तो ये कितना हो जाएगा 5/7, ये आंसर आ जाएगा 5/7 ए, ऐसे हो जाएगा, ऐसे निकालना है आपको, करना यही रहेगा. डायटोमिक मोनोटोमिक सब दिया रहेगा और यहाँ रखेंगे, फिर वर्क डन आइसो ये रहेगा तो दिया रहेगा, ठीक है. अब अगर एक चीज़ बताओ, अगर ये कहता कि आइसोकोरिक प्रोसेस होती डब्लू जीरो हो जाता तो कितना पार्ट इसका जाता, 100% नहीं, तो आपको दिया रहेगा जरूर, कंडीशन दिया रहता. अच्छा दूसरी चीज, अगर इसी क्वेश्चन में डाई के जगह मोनो रहता तो एफ एफ के जगह 3 ले लेते, 3 लग देते बस, और सेम प्रोसेस लगाते, ये तो यही रहता, ये बात, हाँ ये 3/2 इन आर डेटा, हाँ फिर जोड़ देते, फिर फ्रैक्शन निकाल लेते. 2 मोल ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड आइसोथर्मली टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल, यानी कि वॉल्यूम अगर इनिशियल है वी आई, फाइनल है तो वी फाइनल बाई वी इनिशियल इज 2, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस. तो वर्क डन आइसोथर्मल का क्या फार्मूला है, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल, ये लॉग है, ये बेस ई पे. तो कितना मोल है, 2 मोल, आर की वैल्यू 8.314, और जो टेम्परेचर है 127 प्लस 273, हाँ 400 केल्विन प्लस इनटू 400 एल एन, ये हो गया 2. तो एल एन 2 का मतलब वही है लॉग बेस ई 2, ये 0.693 होता है, ये याद करना है. और लॉग अगर 10 रहता 2 तो 0.3010 है, ये सब डाटा थोड़ा याद रखना है, ठीक है. एल एन 2 मीन्स लॉग बेस ई, हाँ तो ये एल एन मतलब जब बेस ई रहता है तो उसको लॉग को एल एन लिखा जाता है, 10 रहेगा तो नहीं लिखेंगे बेस ई, ये लॉग में हम है देख पढ़ा देंगे तुम्हें अलग से. तो ये वैल्यू याद रखना है 0.693, ये हो जाएगा 2 × 8.314 400.693,
ये इतना जूल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4609 जूल इतना लगभग होगा।